और आजकल देश भर में इलेक्ट्रॉनिक बाजार में मशहूर मल्टी नेशनल कंपनियों के बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि नैनीताल जिले के ग्रामीण इलाके कोटबाग की कुछ घरेलू महिलाओं ने अपने हौसलों के दम पर इन कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों को मार्केटिंग के स्तर पर थोड़ा सरकार का साथ मिल जाए। हल्द्वानी की गिरिजा बुटीक और महिला विकास संस्था समूह की महिलाएं इन दिनों इलेक्ट्रिक एलईडी बल्ब और एलईडी लाइट तैयार कर इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। संस्था की अध्यक्ष गीता सत्यबली ने कहा कि सहायता समूह की महिलाएं पिछले कई सालों से अलग अलग उत्पादन तैयार कर स्वावलंबी बन रही हैं और इसी के तहत नैनीताल जनपद में पहली बार महिला सहायता समूह को नाबार्ड के माध्यम से एलईडी बल्ब और लाइट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। गीता सत्यवली का कहना है कि अभी 5, 9 और 12 वाट के बल्ब के अलावा बिजली की माला, नाइट लैंप, झूमर बनाने का काम शुरू किया गया है। तैयार किए गए प्रोडक्ट बाजार भाव से कम दामों में इनको बेचा जा रहा है, जहां प्रोडक्ट को अन्य कंपनियों की तरह 6 माह की गारंटी भी दी जा रही है। और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के उद्देश्य को पूरा करना है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे कि हमारी जो संस्था है प्रॉपर विगत 6 वर्षों से महिलाओं के लिए कार्य करते हुए आ रही है और हर तरीके से हम महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। जूट बैग, कपड़ा बैग, ऐपण, धूप बत्ती, कैंडल, अचार, पापड़, चिप्स। तो इसके अलावा हमने सोचा कि क्यों ना एक हटके एक ऐसा प्रोजेक्ट में महिलाओं को ट्रेनिंग दें जिसमें उनकी आय में और ज़्यादा वृद्धि हो। तो हमने अपने नाबार्ड के DDM सर से बात करी तो नाबार्ड सर ने जो हमें LED का 90 महिलाओं का हमें बेच दिया। मैंने LED की ट्रेनिंग नैराराम RCD से ली थी, जिसमें मैंने 4 साल क्रॉस सेंटर में काम भी किया। आज मैं प्रशिक्षण दे रही हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने 2 बैच अपने बैल पड़ाव में प्रशिक्षण दिया, जिससे आज ये यहाँ सेल लगी हुई है। और मुझे नाबार्ड सर से भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कि नाबार्ड अपनी स्थापना के समय से ही इस दिशा में प्रयास कर रहा है। महिलाएं इतनी सहनशील होती हैं, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक भी वो काम करती हैं, थकती नहीं हैं। और नाबार्ड का ये मानना है कि महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, और सशक्त तभी होंगी जब उनका कौशल विकास होगा, उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उनकी, ताकि वो इस तरह का कोई काम कर सकें अपने स्तर पर जो उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके, और वो जो स्किल सीखती हैं वो दूसरों को भी और सिखा सकें।